फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीप ट्यूशन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये प्यारा सा नेक। पिछले वीडियो में मैंने ये स्लीव का डिज़ाइन बनाया था, इसी का हम नेक डिज़ाइन बनाएंगे। गले का डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम गले की शेप बना लेते हैं। तो ये मैंने बड़ा सा एक पेपर ले लिया है। सबसे पहले हमें जितनी पट्टी मोड़नी होती है उतना हम निशान लगा लेंगे। ये एक इंच से थोड़ा सा कम है। इसके ऊपर हमें नेट वाला डिज़ाइन बनाना है। तो जितना हमारा स्लीव में डिज़ाइन आ रहा है उतना ही हम तैयार ले लेंगे। इसका मेज़रमेंट 2.5 इंच आ रहा है। आप इसे चौड़ा पतला भी बना सकते हैं अपने पसंद के अकॉर्डिंग। जितना मेज़रमेंट आपने स्लीव में लिया है आप उतना ही नाप लें, और उतना ही हमें नेक में भी बनाना है। जितनी हमने नीचे से पट्टी ली है एक बार और हम पट्टी का निशान लगा लेंगे, लगभग 1 इंची का। यहाँ पर भी हम एक लाइन लगा देते हैं। ये वाली पट्टी हमारी छोटे गले की बनेगी। यहाँ से हम गले की चौड़ाई ले लेंगे। मैंने इसे 2.75 इंच लिया है। आप इसे अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ही लें। और जितनी हमें नेट से लंबाई लेनी है नेक की, जहाँ से हमने चौड़ाई ली है वहीं से हम इसकी लंबाई नाप लेंगे। मैंने नेक की लंबाई 10.5 इंची ली है, और उसके बाद हम थोड़ा सा मार्जिन भी ले लेंगे। यहाँ पर भी हम एक लाइन लगा देते हैं। गले की शेप देने के लिए लंबाई में भी एक लाइन लगा देंगे। अब कॉर्नर से 1 इंची का निशान लगाएंगे, और इसी निशान को टच करते हुए हम राउंड शेप में गले की शेप कर देंगे। अब जो हमने पट्टी के लिए 1 इंची का निशान लगाया था, राउंड शेप में भी इसी तरह से हम 1-1 इंच का निशान लगा लेंगे और एक राउंड शेप और बना देंगे। इसके आगे हमें 2.5 इंची का निशान लगाना है। राउंड शेप में हम 2.5-2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इसका भी नेक ड्रॉ कर लेंगे। 2.5 इंची का नेक बन जाएगा। उसके बाद हम 1 इंची का निशान लगाएंगे और उसे भी ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमारी ये 4 लाइनें आ जाएंगी। अब इन सभी लाइंस पे हमें कटिंग करनी है। जब तक हम कटिंग करते हैं तब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इस तरह से हमारे पास ये 3 नेक कट हो गए हैं। इन सभी गलों को मैंने बुकरम पे रख के ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जो हमारे पास सबसे बड़ा गला आएगा और जो सबसे छोटा गला आएगा, इसे हमें कपड़े पर ऐसे ही हमें पेस्ट कर लेना है। लेकिन जो हमारा बीच वाला नेक होगा, इसे हमें मार्जिन देते हुए नेट के ऊपर पेपर के ऊपर हमें लगाना है। हम इन दोनों गलों को कपड़े के ऊपर चिपका लेते हैं। अब हमें एक बड़ा सा पेपर लेना है। इतना बड़ा पेपर लें कि जो हमारा बीच वाला नेक है आराम से उस पर आ जाए, और उसमें थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन भी आ जाए। दोनों साइड हम थोड़ा थोड़ा मार्जिन लेते हुए इस पर निशान लगा लेंगे। अब इसकी कटिंग भी कर लेते हैं। इसमें जो लेंथ हमारी एक्स्ट्रा है इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे, और अंदर वाले नेक को भी हम कट कर लेंगे। यह हमारी कटिंग हो गई है। अब हम इसे नेट के ऊपर अटैच करेंगे। तो ये हमने इसी साइज़ की नेट ले ली है जिस पर हमारा जो नेक है वो आराम से आ जाए। इसे हमें अटैच कर लेना है। इसके लिए हमने एक कार्डबोर्ड ले लिया है। इसकी लंबाई चौड़ाई देख लेते हैं। एक साइड से ये 1.5 इंच है और एक साइड से 2.5 इंच है। आप इसे अपनी अकॉर्डिंग छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। इसे हम फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर पॉइंट ले लेंगे। इसी तरह से हमने दूसरी साइड भी इसका फोल्ड साइड ले लिया है। अब हमें इसका सेंटर मिल गया है। इसे फोल्ड करेंगे और जहाँ से हमारा सेंटर आ रहा है वहीं से हम इसे गोलाई में लेते जाएंगे और पत्ती की तरह शेप दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसको खोलने पर ये पत्ती की शेप में आ गया है। मैंने पेपर को नेट पे अटैच कर लिया है, लेकिन मुझे पहले से ही इस डिज़ाइन को पेपर पे ड्रॉ करना था, लेकिन मैं ऊपर से कर रही हूँ। आप इसे पहले से ही कर लें। सबसे पहले हमें इसे सेंटर में ही लेना है ताकि हमारा दोनों तरफ डिज़ाइन एक जैसा आए, और लीफ को थोड़ा थोड़ा सा टच करते हुए आगे हम ये पत्तियाँ बनाते जाएंगे। सेम इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी ये डिज़ाइन बनाना है। चलिए इसे बना लेते हैं। मैंने इसे पूरे नेक पे ड्रॉ कर लिया है, और साथ ही मैंने ये डोरी ली है। ये बहुत ही इजीली मटेरियल वाली की दुकान पे आपको मिल जाएगी। जो हमने डिज़ाइन बनाया है इसी के ऊपर हमें रखते हुए मशीन से सिलाई लगा लेनी है। हमने डोरी लगा के पूरा नेक तैयार कर लिया है। अभी इसे साइड रख देंगे और हमें बड़ा वाला नेक तैयार करना है। जैसे हम नॉर्मल गला बनाते हैं उसी तरह से हमें इसे रेडी करना है। हमारा ये नेक भी रेडी हो गया है।
इसी तरह से हमें सबसे छोटे वाला नेक भी रेडी कर लेना है। मैंने ये छोटा वाला नेक लिया है और इसके ऊपर एक और कपड़ा रखकर इसे बुकरम के किनारे किनारे स्टिच कर लिया है। अब हम अंदर वाले नेक को कट कर देंगे। इसमें राउंड में छोटे छोटे से कट लगा लेते हैं ताकि नेक बहुत ही फिनिशिंग से बने। और इसे भी हमें अब पलट देना है और एक किनारे की सिलाई लगा लेनी है। हमारा ये नेक भी रेडी हो गया है। अब नेक के दोनों पीसों को पकड़ के हम इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। सेंटर निकालने से हमारा जो नेक है वो बिल्कुल बीच में अटैच होगा। अब हमें अंदर से बुकरम के साइड जो कपड़ा है इसे मोड़ते जाना है और नीचे की तरफ से भी इसे फिनिशिंग करते हुए नेट के साथ अटैच करते जाएंगे। मैंने ये छोटा वाला नेक अटैच कर लिया है। इसी तरह से हमें बड़े वाले नेक को सेंटर पॉइंट लेते हुए इसे भी अटैच कर लेना है। मार्जिन हमने पहले ही रख लिया था इसलिए बिल्कुल सेट बैठेगा। इसे आप पिनअप करके या कच्चा करके आसानी से लगा सकते हैं। इसमें भी किनारे किनारे की सिलाई लगा के हमने गला तैयार कर लिया है। अब पीछे का कागज़ को हम निकाल देंगे क्योंकि अब हमारा नेक रेडी हो गया है। इस तरह से हमारी ये कुर्ती रेडी हो गई है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद मित्रों।